नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। एसडीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि दबंगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जलोन जनपद जलोन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के कुरोती की रहने वाली सुशीला पत्नी भोला राम ने आज तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी सालिक राम से न्याय की गुहार लगाई। गरीब महिला का कहना है कि मेरा आवासीय पट्टा सन 1995 में मिला था, जिसमें एक कमरा भी बना हुआ है जिसमें निवास करते हैं। पति दिमागी हालत से कहीं गुम हो गया और मैं और मेरे बच्चे अन्य प्रांत से रहकर मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाते हैं और वहीं पर किराए से रहते हैं। जब मैं अपने गांव कुरोती आई तो देखा कि कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा मेरे आवासीय पट्टे पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर मैंने दबंगों को मना किया तो दबंगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर आज मैंने उप जिलाधिकारी सालिक राम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और दबंग मोहन लाल पुत्र गोकुल प्रसाद को रोका जाए और कानूनी कार्यवाही की जाए। बाइट पंडित महिला सुशीला देवी। जलोन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? गरीब आदमी में बाहर चलेगा काम करने धंधे, हाँ। तो हमारे ना दूसरे ने कब्जा कर लिया। जब तक हमारे कौन है वो लोग जिनने मोहन लाल, अच्छा कहाँ कब्जा किया, क्या था? हमारा मकान बनो, हमारा छपरा बनो, हमारा कमरा बनो, सब कुछ, हाँ। हमें भीतर नहीं घुसा देते, हमने तो खरीद लिया। अच्छा, हाँ। कौन कहते हैं खरीद लिया? वो मोहन लाल। फिर आपने इस बात की शिकायत नहीं की किसी? शिकायत तो मैं तीन तीन दिन कर चुके, हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही। पुलिस वाले जा तो मेरे को लौट के और धमकाए दे, मकान बना दे। हमने अच्छा। की तो मैं क्या जाऊँ कि तुमने तो कहना होना जाए रहा रह रही हूँ तहाँ बना ला, चलो होना भी देख ले। मैं गरीब आदमी मजूरी करा रोड पे रह रहा है। अच्छा। तो दूसरे पड़ोसी ने रख ला तो उससे बोलता तुमने इसको क्यों बुलाया। तो जमीन कैसी थी आपकी, पूर्वजों की थी या फिर कोई? नहीं, मेरा पट्टा तो ऑपरेशन के पट्टा मिले थे साहब। अच्छा, कब मिला था आपको? आपको मिला था या आपके पूर्व? नहीं, हमारे ही नाम है, हमें मिला था, हमने ऑपरेशन करा था। अच्छा, तो क्या कहते हैं वहाँ, जाने नहीं देते? नहीं जान देते, आज भी गए तो हमें धक्का धक्का करके हमें भगा दिया घर में से। अच्छा, तो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा,